तो चलिए आज हम सीखते हैं काफ्तान की कटिंग करना। तो सोल से हमें काफ्तान बनाना है, तो ये इस तरह की है हमारी सोल है। तो हमें करना क्या होगा, ये हमें नीचे से डबल पकड़ के रखना होगा कुछ इस तरह से, बस इस तरह से झटका लगा देना है इसमें। तो ये हमारा नीचे से बराबर हो जाएगा, ऊपर से कुछ इस तरह आ जाएगा। अब हम इस पे मार्क करेंगे यानी निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें सेंटर का निशान लगाएंगे 40, तो हमारा 20 आता है। 20 पर निशान लगाएंगे, पूरा 20 पर लगा देना है। ये लग गया हमारा 20 पर निशान। अब हमें गले का लगाना है, तो गला हम 7 इंच ब्रॉड रखेंगे, तो 1 साइड 3.5, 7 बनता है हमारा। अब हम 7 इंच डीप रखेंगे, तो 7 पर निशान लगाना है। अब हमें आगे पाइपिंग लगानी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक 16 इंच तक पाइपिंग लगानी है हमें, तो हम 16 पे निशान लगा लेंगे। फिर हमें इसे गोल करना है, वी गला बनाएंगे इसमें कुछ इस तरह से। ये पूरा हमारा वी गला आ गया और ये हमारा गले का निशान लग चुका। अब हम साइड वाली सिलाई वाला भी काफ्तान, साइड से सिलाई वाला काफ्तान बनाएंगे। तो हम इस पर सबसे पहले ये भी निशान लगाएंगे हम, तो याद रहे इसमें हम 5 इंच की लूजिंग दे रहे हैं। 5 इंच की लूजिंग से ये करते हैं, अब 50 साइज है हमारा, तो हम 55 रखेंगे इस तरह से करना है। अगर 45 है तो 50 रखेंगे, मतलब साइज के अकॉर्डिंग होता है ये भी। तो ये हमारा 45 चेस्ट है, तो हम 50 रखेंगे इसको इस तरह से। ये 12.5 पर भी सेंटर रखना है आपको इस तरह से। ये 50 पर निशान लग गए। अब हम यहाँ से लगाएंगे 10.5 पर, ऊपर से इधर भी हमें 10.5 पर लगाना है। अब ऊपर से नापना है हमें 15 पर, इधर भी 15 पर निशान लगाना है। 50 से 1 इंच माइनस कर देंगे बस हम इसको, हम इसको 24 रखेंगे कुछ इस तरह। ये हमारा हिप का निशान होगा जो हम 24 पर रखेंगे हिप, इधर भी 24 पे लगाना है हमें। इधर भी 24 पर, इधर भी 24 पर इस तरह ऊपर से नापना है 24, इधर भी नापना है हमें 24। जैसे मैंने बताया साइज से हमें 5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो हम नीचे से हम 27 इंच रखेंगे, फिर 27 पर निशान लगा देंगे। तो अब हमारी ये वाली जो लाइन है, हम इसे इस तरह से निशान लगाएंगे पूरा नीचे तक इस तरह से। अब ये गले का जो है, हम इसे कटिंग कर देंगे गले को। ध्यान रहे नीचे वाला ना कटे, इसलिए हम इसको ऊपर उठाकर कटिंग करेंगे इस तरह से। बेक से हल्का सा नीचे लेना है, हल्का सा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा काफ्तान की कटिंग हो गई।